आज चारनार बस स्टॉप का दौरा करने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि अतराफ व इकनाफ की पब्लिक मुसलसिल ये कंप्लेन कर रही थी कि चारनार बस स्टॉप को एक कबाड़ खाने की तरह बना दिया गया, यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट की तरह पब्लिक यूज़ कर रही है और दूसरा आप देखते हैं चौ तरफ कचरे के अंबार लगा दिए गए और यहाँ पे कचरा यहीं जला दिया जा रहा है, जिससे पब्लिक की सेहत के ऊपर काफ़ी असर हो रहा है अतराफ के लोगों को, क्योंकि ये कोविड 19 की वजह से पब्लिक परेशान है उसके साथ, और ये कचरे का धुआं गंदगी यहाँ पे मुसलसिल बगैर किसी डर के शराब नोशी हो रही है, यहाँ शराब पिया जा रहा है, वाइटनर पिया जा रहा है और गलत धंधे भी यहाँ पे हो रहे हैं। अतराफ की सारी पब्लिक को काफ़ी तकलीफ है इन चीज़ों से। मैं जोनल कमिश्नर से ये पूछना चाह रहा हूँ, वो एक साल का टाइम लिए ये बस स्टैंड रिमूव करने के बाद के एक साल के टाइम के अंदर हम इसको मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर हम पब्लिक की सहूलत के लिए यहाँ पे पार्किंग देंगे और एक बस की एक रूट देंगे यहाँ पे एक डिवाइडर लगाते हुए के आने वाले बसों को यहाँ पे उसकी सहूलत भी हो और पार्किंग की सहूलत भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया अब तक। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है पार्किंग के लिए, वो भी खिलवत के रोड की पार्किंग को यहाँ पे पार्क किया जा रहा है गाड़ियों का, और यहाँ पे चोरियाँ भी मुसलसिल हो रही है। मैं ये पूछना सवाल करना चाह रहा हूँ जोनल कमिश्नर से और ग्रेटर हैदराबाद कमिश्नर से, ये सवाल करना चाह रहा हूँ, आप लोग 2018 में तोड़े उसके बाद में आज तक यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जबकि अनसोशल एलिमेंट्स का अड्डा बने हुआ है ये। और मैं KTR साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े वादे करें पुराने शहर को डेवलपमेंट करने के लिए, हम पुराने शहर के साथ सौतेला सुलूक नहीं करेंगे जैसा कि पिछली हुकूमतें करती आई, हम ख़ास दिलचस्पी लेते हुए हम पुराने शहर को डेवलप करेंगे बोल के आप बोले, आपके ये वादे क्या हुए? आपको पब्लिक अच्छी तरह से जान गई KTR साहब, आपका जो ये जो हसर हुआ GHMC इलेक्शन में चुपके नहीं हुआ, खाली आप वादा खिलाफी करते हैं, आप वादे करते हैं और उसका काम कुछ भी नहीं करते, इसलिए आपको पब्लिक ये मामूली एक झटका दी GHMC में। आप ये देखते हैं कि अतराफ अपना पूरा टीना लगा दिया गया, ये टीनों की वजह से अनसोशल एलिमेंट को एक सिक्योरिटी दे रहे हैं आप लोग ये टीना लगा के यहाँ पे जो चाहे काम कर सकते हैं आप बोल के। इसके साथ साथ जो अतराफ जो मोबाइल के दुकाना है, कपड़े के दुकाना है, ये गरीब लोगों का रोज़गार चलता था ये बस स्टैंड के तरफ से, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया एक प्री प्लान तरीके से मुसलमानों की माशी हालत को बर्बाद करने के लिए। आप ये कदम उठाए KTR साहब, आप एक प्री प्लान तरीके से यहाँ पे बर्बादी करने के वास्ते आप ये काम करें। मैं आपको 8 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अगर यहाँ जोनल कमिश्नर आकर दोबारा मायना करते हुए इसको मल्टी लेवल पार्किंग बना के बस रूट को चालू करना, और सबसे पहले आपका काम, आपके जोनल कमिश्नर का काम यह है कि टीनों को रिमूव करना, ये टीनों को रिमूव करे तो फिर ये गरीब लोगों का कारोबार चालू हो जाता, इनका रोज़गार चालू हो जाता। आज ये खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं इन लोगों को, कारोबार सारा बंद हो गया है इनका। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग खाली झूठे और बड़े बड़े वादे करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। बस ये तेलंगाना शहर, तेलंगाना और ख़ास तौर से ग्रेटर हैदराबाद, यहाँ पर अनसोशल एलिमेंट का अड्डा बन गया पुराने शहर में एक चारमार बस स्टैंड। ये सबसे पहले आप ये टीनों को रिमूव करते हुए आप जैसे ये काम 8 दिन के अंदर अंदर हमको इसका रिस्पॉन्स होना या नहीं, तो हम ये पूरा टीना हम खुद निकालेंगे। यहाँ की आवाम को लेकर हम जमहूरी अंदाज में हम एहतजाज करते हुए कमिश्नर GHMC का घेराव करेंगे और उसके बाद KTR साहब का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं और यहाँ अतराफ की आवाम जान चुकी है कि ये बग़ैर एहतजाज करने से कुछ इसके बजाय और कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि 2 साल आज 3 साल हो गया, 36 मंथ्स गुजर चुके, लेकिन आज तक के कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का, जबकि आप एक साल के अंदर बना देने का आप टाइम लिए थे, लेकिन आप भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हायर ऑफिशियल्स भी बराबर TRS की चाल के ऊपर चाल चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी वादे करते भूल जाते हैं।
इसी तरह ऑफिशियल भी यही काम कर रहे हैं कि हम भी वादा करो और भूल जाओ, यहाँ की आवाम कुछ करने वाली नहीं है, कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदा खुद गाफिल है, इसीलिए उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। पब्लिक को आज परेशानी हो रही, आज पब्लिक को साथ लेकर या पब्लिक की डिमांड के ऊपर हम ये दौरा करते हुए आज ये आके देखने के बाद में हमको यहाँ का पता चला। लिहाजा मैं अपने तरफ से और यहाँ की सारी पब्लिक के तरफ से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 8 दिन के अंदर अंदर आप लोग यहाँ पे आते हुए यहाँ का दौरा करें, मल्टी लेवल पार्किंग बनाएं, यहाँ बस रूट को चालू करें और ये टीनों को रिमूव करें, ताकि यहाँ के मुकामी आवाम का जो तो कारोबार फिर दोबारा चालू हो सके और यहाँ के गरीब लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर हो सके। मैं अब एक मरतबा फिर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ये 8 दिन के अंदर अंदर आप लोग एक्शन में आइए, वरना हमको जमहूरी अंदाज में बेहतर तरीके से एहतजाज करना आता है। मैं CPI स्टेट काउंसिल मेंबर, मेरा नाम मुनीर पटेल है, मैं आप लोगों से आके मुलाकात भी करूँगा और इस ताल्लुक़ से मेमोरेंडम भी आपके हवाले करूँगा। शुक्रिया।